हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, इस वीडियो में हम क्लास टेंथ वालों के लिए एक काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे जी हाँ गाइज ए पोस्टमैन यानी डाकिये पे हम ऐसे देखने वाले हैं इस वीडियो में। गाइज मैं काफ़ी अच्छे से एकदम इसका मैं एकदम अर्थ भी एक एक का बताऊंगा, तो आपको एकदम ये इस वीडियो को देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो ऐसे होता है उसको मतलब ऐसे दे देता है और पोस्टमैन, और उसमें आपको टॉपिक भी सजेस्ट कर देता है। आपको टॉपिक नहीं बनाना होता है। लाइक मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, आप लोग आप देख सकते हो, ये मॉडल पेपर है, इसमें आप लोग देख सकते हो, लाइक माई मदर है, तो इसमें आप लोग देख सकते हो ये टॉपिक पहले से ही दिया हुआ है, केवल आपको इस पर लिखना है। ठीक है, तो चलिए, और गाइज मैं बता दूं कि केवल 60 शब्दों में। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एकदम अच्छे से लिखा हूं इस पे और आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिज ड्रेस, उसके बाद देखेंगे हिज एजुकेशन, हिज वर्क एंड यूजफुलनेस, हिज सैलरी, और उसके बाद हिज जनरल कंडीशन। और गाइज इसके अलावा आई होप आप लोग काफ़ी सारे लोग कमेंट करोगे इसके इंट्रोडक्शन के लिए। तो देखिए गाइज, पोस्टमैन यानी डाकिये पर रिलेटेड इंट्रोडक्शन नहीं पूछता है, लेकिन वीडियो के अंत में आपको इंट्रोडक्शन भी बता दूंगा। अगर आप मतलब 90% चांस है कि मतलब इंट्रोडक्शन इस पर मतलब नहीं पूछता है। ठीक है गाइज, लेकिन मैं आप लोग जानता हूँ कि कमेंट करोगे इंट्रोडक्शन के लिए, इसलिए इंट्रोडक्शन भी वीडियो के अंत में बता दूंगा। तो चलिए देखते हैं, आप लोग देख सकते हो ये प्रश्नोत्तर संख्या 14 के अंतर्गत आता है आप लोगों का प्रश्न एक ऐसे, तो मैं इस वीडियो में पोस्टमैन पर शामिल किया हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हिज ड्रेस, उसके ड्रेस के बारे में। देखिए, जर्नली अ पोस्टमैन वियर ए खाकी यूनिफॉर्म। ठीक है, जनरली मतलब वही सामान्यतः एक पोस्टमैन में डाकिया वियर मैंने पहनना। ठीक है, और खाकी यूनिफॉर्म मतलब एक खाकी यूनिफॉर्म मतलब देखिए जैसे पुलिस का ड्रेस होता है वैसा ही। ठीक है, तो जनरली अ पोस्टमैन वियर अ खाकी यूनिफॉर्म, ही हैज अ लेदर बैग मतलब उसके पास एक लेदर बैग होता है, ही कीप्स लेटर पार्सल एंड मनी ऑर्डर इन इट मतलब उसमें ये इन इट लेदर बैग यूज हुआ है, मतलब ही किप्स मतलब वह रखता है लेटर मतलब लेटर पार्सल मतलब पार्सल एंड मनी ऑर्डर मतलब मनी ऑर्डर इन इट मतलब उसमें। ठीक है गाइज, ही हैंग इट अक्रॉस हिज शोल्डर। ठीक है गाइज, मतलब वो अपने उससे क्या कहता है, शोल्डर में क्या कहता है कि टांगता है, यही हम इसका अर्थ कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो ही हैंग इट अक्रॉस हिज शोल्डर। ठीक है, SHOULDER शोल्डर मतलब वही कंधा। ठीक है गाइज, सोल्जर मत कहना, सोल्जर मतलब सिपाही होता है। ठीक है गाइज, शोल्डर है, शोल्डर मतलब कंधा। ओके गाइज, तो आई होप आप लोग को ये पहला टॉपिक हिज ड्रेस क्लियर हो गया होगा। चलिए सेकेंड टॉपिक देखते हैं, हिज एजुकेशन। ठीक है, देखिए सेकेंड टॉपिक हिज एजुकेशन क्या है। अर्लियर ही वॉज नॉट हाईली क्वालिफाइड मैन मतलब सामान्यतः वही मतलब ज़्यादातर ही वॉज नॉट मतलब वह नहीं होता है। ठीक है, हाईली क्वालिफाइड मैन मतलब ज़्यादा पढ़ा लिखा। ठीक है, हाईली क्वालिफाइड नहीं होता है। ठीक है, डाकिया जो होता है हाईली क्वालिफाइड नहीं होता है। ठीक है गाइज, बट लेकिन ही कैन रीड लेकिन वह पढ़ सकता है इंग्लिश हिंदी एंड उर्दू वेल WEL मैंने अच्छे मतलब अच्छा। ठीक है गाइज, तो बट ही कैन रीड इंग्लिश हिंदी एंड उर्दू वेल मतलब लेकिन वह इंग्लिश हिंदी और उर्दू अच्छे से पढ़ सकता है। तो आई होप आपको ये दो टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, हिज ड्रेस एंड हिज एजुकेशन। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो चलिए अब ये हम लोग का टॉपिक खत्म हुआ, दो थे। अब चलिए आगे इस बगल में लिखा हूँ अगला टॉपिक, मैं उसको आप लोग को दिखाता हूँ। इस साइड आप लोग देख सकते हो जो थर्ड हम लोग का टॉपिक है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, हिज वर्क एंड यूजफुलनेस। ये है हम लोग का थर्ड टॉपिक, हिज वर्क एंड यूजफुलनेस। ये थोड़ा बड़ा है लेकिन उतना भी बड़ा नहीं है। ठीक है, देखिए अ पोस्टमैन्स, देखिए पोस्टमैन्स लिखा है, इसका मतलब क्या, देखिए यहाँ इस तरह का कर एस लिख दे तो काकी के। ठीक है, तो पोस्टमैन्स मतलब एक डाकिये का वर्क मतलब कार्य। ठीक है, काम इज नॉट ईजी मतलब काम आसान नहीं होता, कार्य आसान नहीं होता है। ठीक है, एक डाकिये का कार्य आसान नहीं होता है। ही गोज टू पोस्ट ऑफिस मतलब वह पोस्ट ऑफिस जाता है एट अबाउट 10 AM मतलब वही सुबह के 10 बजे। ठीक है, 10 AM मतलब वही सुबह का 10 बजे। ठीक है गाइज, ही शॉर्ट आउट लेटर मतलब ही शॉर्ट आउट लेटर ऑफ हिज एरिया मतलब वह अपने एरिया का जो लेटर है उसको शॉर्ट आउट करता है मतलब लेता है। ठीक है गाइज, क्योंकि वहाँ मतलब पोस्ट ऑफिस पे तो कई सारे डाकिये होंगे और मतलब हर डाकिये का एक एरिया बना है, तो वो अपने एरिया का जो मतलब लेटर है उसको शॉर्ट आउट करेगा। उसके बाद क्या करेगा कि देन ही पुट्स सील ऑन दे मतलब उसके बाद उस पर सील यानी वही मुहर लगाएगा। ठीक है, देन ही गोज टू डिलीवर देम उसके बाद क्या करेगा कि देन ही गोज टू डिलीवर मतलब वो
उन्हें क्या करेगा, डिलीवर करने जाएगा यानी बांटने जाएगा जिसका जिसका है, ठीक है। ही ब्रिंग मनी ऑर्डर टू द पीपल, मतलब वो लाता है क्या मनी ऑर्डर, मतलब वही मनी ऑर्डर टू द पीपल, मतलब लोगों को एंड गिव देम मनी, और उनको मनी देता है, ठीक है गाइस, मनी ऑर्डर लाता है और मनी देता है। तो ये रहा आपका हिज वर्क एंड यूजफुलनेस में, इतना आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, काफ़ी सरल भाषा मैंने आपको लिखवाया है और इसका अर्थ भी बता दे रहा हूँ, तो आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए गाइस, एकदम थोड़ा सा भी नहीं एकदम डाउट रहना चाहिए। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला हम देख लेते हैं, अगला हम लोग का हिज सैलरी काफ़ी छोटा आएगा जिस पे भी, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, केवल आप लोगों को 60 शब्दों में लिखना होता है, तो अभी यही तीन टॉपिक में लगभग 60 शब्द हो गए होंगे, तो कोई बात नहीं, एकदम डाउट आपका दूर हो गया कि नहीं ये थोड़ा है, तो ये तो डाउट क्लियर हो गया। चलिए हिज सैलरी देखते हैं, हिज सैलरी की देखिए, अ पोस्टमैन इज नॉट सो वेल पेड एज हार्ड हिज ड्यूटीज आर, मतलब देखिए इसका मतलब क्या कि मतलब वही मतलब जो डाकिया है उसके मतलब जितनी उसकी ड्यूटी हार्ड है, ठीक है, उसका कार्य जितना हार्ड है उसके अनुसार उसको पेड नहीं किया जाता, यानी पैसे नहीं दिया जाता, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। तो हिज सैलरी में कह सकते हैं कि अ पोस्टमैन इज नॉट सो वेल पेड एज हार्ड हिज ड्यूटीज आर, ठीक है गाइस। तो आई होप आप लोग को ये भी टॉपिक क्लियर हो गया होगा हिज सैलरी वाला। तो चलिए अगला हम लोग टॉपिक देख लेते हैं, अगला हिज जर्नल कंडीशन गाइस, ये जर्नल कंडीशन, इसमें आप लोग क्या लिखोगे, देखिए इसमें आपको क्या लिखना है, अ पोस्टमैन इज वेरी यूजफुल टू एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी, मतलब वही पोस्टमैन यानी डाकिया इज मैंने है वेरी मैंने बहुत यूजफुल टू एवरी मेंबर, मतलब बहुत यूजफुल, ठीक है, बहुत लाभदायक कह सकते हैं, एवरी मेंबर मतलब प्रत्येक मेंबर ऑफ द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी का, ठीक है गाइस। तो अ पोस्टमैन इज वेरी यूजफुल टू एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ओके गाइज, आई होप आप लोग को यहाँ क्लियर हो गया होगा। देखिए ही वर्क्स हार्ड बट ही गेट्स फ्यू हॉलीडेज, ओके गाइज, ही देखिए ही वर्क्स हार्ड मतलब ही वर्क्स मतलब वह कार्य करता है, हार्ड्स मतलब कठिन, ठीक है गाइज, ही वर्क हार्ड्स मतलब वह कठिन कार्य करता है, ठीक है गाइज, बट लेकिन ही गेट्स मतलब वह पाता है फ्यू हॉलीडेज, बहुत कम, फ्यू मतलब कम, आप लोग पढ़े होंगे फ्यू हॉलीडेज मतलब बहुत कम छुट्टियाँ, ओके गाइज। तो आई होप आप लोग को ये भी टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अ पोस्टमैन इज वेरी यूजफुल टू एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ही वर्क्स हार्ड बट ही गेट्स फ्यू हॉलीडेज, ओके। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला हम लोग का है इसका मतलब इंट्रोडक्शन गाइज, इंट्रोडक्शन मतलब यहीं तक पूछता है आप लोग को, यही मतलब आप लोग को टॉपिक देगा एग्जाम में, लेकिन मैं जानता था कि आप लोग हो सकता है मतलब काफ़ी इंट्रोडक्शन के लिए कमेंट करोगे, तो लीजिए इसका मैं इंट्रोडक्शन भी आपको बता दे रहा हूँ, लाइक आप लोग एग्जाम में इंट्रोडक्शन नहीं पूछता है, तो चलिए देख लेते हैं इंट्रोडक्शन, आप इसको देख लीजिए काम ही करेगा कहीं ना कहीं। तो देखिए एट 9 o'clock द डोर विल रिंग, ठीक है गाइज, एट 9 o'clock द डोर विल रिंग, आप इसका समझ रहे हो कि मतलब 9 बजे क्या होता है कि द डोर विल रिंग, जो मतलब रिंग वही बजती है, वी रन टू ओपन द डोर, ठीक है गाइज, वी रन मतलब हम जाते हैं टू ओपन द डोर, मतलब वही डोर ओपन करने, हाउ हैप्पी वी आर व्हेन वी सी द पोस्टमैन विथ लेटर फॉर अस, ओके गाइज। देखिए एट 9 o'clock द डोर विल रिंग, वी रन मतलब हम जाते दौड़ते हैं टू ओपन द डोर, दरवाजा मतलब खोलने के लिए, हाउ हैप्पी वी मतलब हम बहुत खुश होते हैं, ठीक है, आर दे आर वेन वी सी द पोस्टमैन मतलब जब हम डाकिये को देखते हैं विथ लेटर फारस मतलब लेटर के साथ, फारस मतलब अपने लिए हमारे लिए जो भी कर ले। तो ये था हम लोग का अपोस्टमेंट पे काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये ऐसे है आप लोग के लिए, तो आप प्रत्येक को मैं एक बार कर दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका इंट्रोडक्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप हिज सैलरी और हिज कंडीशन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलिए मैं ऊपर चलता हूँ, ये आप लोग देख सकते हो, मैंने अच्छे से आपको इसको बता दिया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिएगा, हिज वर्क एंड हिज यूजफुलनेस का भी आप लोग अच्छे से एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस, उसके बाद चलिए मैं इधर साइड में चलता हूँ, इधर मैं आता हूँ और इधर आपको एक एक देखिए, यहाँ आप लोग देख सकते हो अब पोस्टमैन, और यहाँ आप लोग देख सकते हो ये प्रश्नोत्तर संख्या 14 के अंतर्गत आता है, ये 6 मार्क का होता है गाइज, हिज आप लोग देख सकते हो ये हिज ड्रेस है, ठीक है गाइज, हिज ड्रेस पे इतना आप लोग को एकदम अच्छे से एकदम लिखवा दिया हूँ, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद हिज एजुकेशन इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो गाइज, ओके गाइज।
तो आई होप आप लोग को पोस्टमैन पे अच्छे से एकदम क्लियर हो गया होगा और आप लोग याद भी कर लोगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस गाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक व्हाट्सअप लिंक है, जाइए उससे जुड़ जाइए। कोई भी अगर आपका मैथ का क्वेश्चन है तो उस पर सेंड कर दीजिएगा, आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो बस थैंक यू।